सो वन टू नाइन डिजिट्स लिखेंगे तो नाइन डिजिट्स का इस्तेमाल होगा वन टू नाइनटी नाइन वन एटी नाइन डिजट्स का इस्तेमाल होगा वन टू वन नाइन नाइन टू एट एट नाइन वन टू नाइन 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 थ्री एट 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 नाइन एंड देन वन टू नाइन 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 के बाद हमें डिजिट्स का इस्तेमाल होगा फोर एट 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 यहाँ पर जैसे एक डिजिट है तो एक भी आठ का नहीं है दो डिजिट्स है तो एक आठ तीन डिजिट्स है तो दो आठ चार डिजिट है तो थे तीन आठ और पाँच डिजिट है चार आठ का इस्तेमाल होगा यहाँ पर इस तरीके से नंबर तो बढ़ते आ रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर और बाकी तो लास्ट में नाइन है तो उस तरीके से याद करना ईज़ी है जैसे नाइन फिर एक आठ बढ़ा दो वन टू थ्री फोर इस तरीके से लगता हूँ तो यहाँ पे फिर दो आठ यहाँ पे तीन आठ यहाँ पे चार आठ लास्ट पे नाइन 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 तो इस नंबर्स को याद करना इस क्वाइट ईजी